हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पार्टोग्राफ के बारे में। आजकल जो भी डिलीवरी पॉइंट पे जो के सीट होती है वो कुछ इस तरह की होती है, आप देख सकते हैं। और इसमें कई चेकलिस्ट संलग्न होते हैं और ए पार्टोग्राफ भी उसी में संलग्न होता है। इस और सभी को हर केस में जो भी डिलीवरी के लिए, प्रसव के लिए जो भी केस का एडमिशन होता है डिलीवरी पॉइंट पे, उसमें ए आपको उसी केस सीट में ही लगा हुआ है पार्टोग्राफ, तो आपको ये फिलअप भी करना होता है। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत इसी के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले लिखा है कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सरलीकृत पार्टोग्राफ। अब सरलीकृत जो पार्टोग्राफ है, ये जब पार्टोग्राफ का डिस्कवर हुआ है, आविष्कार इसका हुआ, तो समय समय पे इस पर WHO द्वारा इसको मॉडिफाई किया गया कि पहले कुछ और था और उसके बाद कुछ और हुआ और सबसे लास्ट में ए जो है सरलीकृत पार्टोग्राफ करा। इसमें जो WHO ने तीन वर्जन के पार्टोग्राफ को इंट्रोड्यूस किया, पर जो सबसे फर्स्ट था वो कंपोजिट पार्टोग्राफ था, फिर बीच में मॉडिफाइड पार्टोग्राफ आया और लास्ट में एक आप हिंदी में इसको सरलीकृत पार्टोग्राफ करें या सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ, जो इसको हम लोग आजकल फिलअप करते हैं, तो ये सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ ही करते हैं, तीसरे वर्जन को ही करते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि यहाँ पे सरलीकृत पार्टोग्राफ क्यों लिखा हुआ है। अब ये इसके नीचे लिखा हुआ है कि जब महिला एक्टिव प्रसव में हो, सर्विक्स का खुला 4 सेंटीमीटर, तो पार्टोग्राफ शुरू करें। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है जब महिला एक्टिव प्रसव है, तो यहाँ हम जानते हैं कि लेबर को दो फेज में बांटा जाता है, लेटेंट और एक्टिव फेज। लेटेंट फेज जो होता है उसमें 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर के डायलेशन को हम लेटेंट फेज कहते हैं, और जब उससे अबव 3 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक का जो डायलेशन होता है उसको हम एक्टिव फेज में रखते हैं। तो जब भी एक सीट जैसे केस रिकॉर्ड है तो इसमें आप सब कुछ फिलअप करेंगे, लेकिन जब महिला का सर्विक्स 4 सेंटीमीटर के करीब डायलेशन उसमें होगा, आप देखेंगे परवजाइना टेस्ट में पाएंगे कि अगर इसका 4 सेंटीमीटर के करीब डायलेशन है, तब से क्या करेंगे, तब इसको आप फिलअप करना शुरू कर देंगे, अन्यथा इसको तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उसके सर्विक्स का डायलेशन 4 सेंटीमीटर नहीं होता है। लेकिन और सारे केस सीट के रिकॉर्ड आप बिल्कुल फिलअप करेंगे। अब इसमें जो एक वो लेटेंट फेज होता है उसमें जो प्राइमरी ग्रेविडा रहेंगी उनका कम से कम 8 आवर्स लग जाता है समय, और जो मल्टी ग्रेविडा है वो कम से 5-6 घंटे में वो पूरा कर लेते अपने लेटेंट फेज को। तो ये वही मतलब है कि जब एक्टिव प्रसव में आ जाएगी मरीज आपकी, तब से ये आपको ये पार्टोग्राफ भी फिलअप करना होगा। अब जानते हैं कि इसमें सबसे पहले दिया है कि पहचान हेतु जानकारी, मतलब उसके किसकी किसका पार्टोग्राफ है, यहीं से हम जान सके। आगे भी है इसका केस सीट में नाम पता लिखने के लिए, और यहाँ पर भी ताकि और इस केस सीट पे ही एक, इसलिए कहते हैं इसको कि वन सीट, कि ये वन सीट पे ही बहुत सारी जानकारी इसमें दे दी गई है। तो इसमें यहीं से देख करके हम सारी जानकारी को प्राप्त कर सके, इसलिए एक बार पुनः यहाँ पे आपको उस पेशेंट का नाम लिखना होगा, उसका पति का नाम, आयु, पैरिटी, पंजीकरण संख्या। देखिए यहाँ पे है कि ग्रेविडा नहीं दिया है, यहाँ पे पैरिटी दिया है, आप जानते ही हैं GPL और A होता है, तो आप सब इसके बारे में जानते हैं, ग्रेविडा, पैरिटी, लाइफ और एबॉर्शन, ये 4 चीज़ें हमेशा लिखी जाती हैं जिससे जानकारी हो सके कि कौथा बच्चा है क्लाइंट का, और कितने पैरिटी कौन सी है, उसमें लाइफ कितने हैं, या उसने कभी एबॉर्शन कराया, उसकी हिस्ट्री AGPL से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल आपको पैरिटी लिखनी है, ग्रेविडा नहीं लिखना है, क्योंकि पैरिटी पूछ रहा है। ग्रेविडा और पैरिटी में थोड़ा सा अंतर है, ग्रेविडा का मतलब है कि आप गर्भाशय ने, क्लाइंट के गर्भाशय ने कितनी बार गर्भ को धारण किया
है, यहाँ पे है कि कितने बार उसके बर्थ हुए हैं और कितने बच्चे उसके लाइव हैं और कितनी बार उसका अभिभाषण हुआ। तो इस तरह से GPLA के अंतर्गत हम हिस्ट्री को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे है प्रवेश की तिथि और समय, गर्भाशय थैली यानी मेम्ब्रेन कब रैप्चर हुआ है और उसका डेट और समय लिखना है। तो ये है जो कि पार्टोग्राफ का फर्स्ट कंपोनेंट भी इसको कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे फिलअप करने के बाद सबसे नीचे अब आते हैं यहाँ पे। अब से यहाँ से शुरू होता है आपका पार्टोग्राफ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पार्टोग्राफ होता क्या है। तो पार्टोग्राफ जो होता है ये एक ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है। इसमें जो भी हम करते हैं वो एक ग्राफ के माध्यम से बताते हैं, जिससे कि हमको मैटरनल कंडीशन और फीटल कंडीशन दोनों की जानकारी हो जाती है कि अब कोई दिक्कत है कि नहीं, अब मतलब उनकी स्थिति कैसी है। तो उसी को जानने के लिए इसमें केवल ग्राफ के द्वारा हम सारी जानकारी फिलअप करते हैं और उसको उसी तरीके से प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से अब इसमें सबसे पहले अगर हम इसको अगर कोई चीज़ है तो ज़रूर उसका कोई डिस्कवर करने वाला भी होगा, तो उसका भी नाम यहाँ पे जान लेते हैं। पार्टोग्राफ को जो डिस्कवर किए थे वो 1954 में, ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि 1954 में सबसे पहले इमैनुअल फ्रेडमैन ने इस पार्टोग्राफ को बनाया, जिससे कि हम मैटरनल और फीटल कंडीशन को की जानकारी को प्राप्त कर सकें, उनके प्रोग्रेस ऑफ लेबर को हम पता कर सकें कि कब उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, कब हमें रिफ़र करना है। तो इस तरह से एक सीट पे, मन सीट पे सारी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है गर्भस्थ शिशु की स्थिति। यहाँ पे देखिए 80 से लेकर के और 200 तक का एक अंक लिखा गया है कि कब क्या होगा और कितनी रहेगा, तो हमें जानकारी प्राप्त होगी फीटल कब डिस्ट्रेस में है, कब वो बहुत अच्छे से है। ये सब की जानकारी के लिए हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आप ध्यान से देख लीजिए तो कितने अंक होते हैं, तो 80 से लेकर के 200 तक इसमें अंक लिखे गए हैं, जिसके बीच में हम उसके फीटल हार्ट रेट को जान करके और इससे पता कर सकते हैं कि अब बच्चा फीटल डिस्ट्रेस में है, उसको कोई खतरा है, या अब वो अभी वो अच्छे वेल बीइंग कंडीशन में है, कहने का मतलब ये है। तो इससे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए खुद ही यहाँ पे देखिए दो लाइनें डार्क कर दी गई हैं, एक 120 पे और एक आपका 160 पे, ये दो लाइन डार्क कर दी गई। इस डार्क करने का मतलब ये है कि न बच्चे को 120 से नीचे रहना, उसके एपएचएस को होना चाहिए, न 160 से अबव होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में बच्चे को क्या है, दिक्कत है, उसे फीटल डिस्ट्रेस होने की संभावना पूरी पूरी है। इस तरह से हमारे बच्चा है जो उसका फीटल हार्ट रेट 120 और 160 के बीच में केवल होना चाहिए, ठीक है। और ये जो अंक लिखे हैं, जब भी हम फीटल की गणना करते हैं तो एक बार में केवल 1 मिनट के लिए करते हैं, और अगर 120 लिखा है तो ये 120 पर बीट 120 बीट पर मिनट मतलब है इसका 120 बीट पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर बच्चे की धड़कन हमने कितना सुना, 120 या 130 या 140 या 150 या 160, ये जो नॉर्मल है तो 120 बाई यहाँ पे 160 ये नॉर्मल है। खुद ही यहाँ पे डार्क लाइन खींच दी गई है, उसके ऊपर भी फीटल को दिक्कत है और इससे नीचे भी उसको दिक्कत है। अब इसको अगर ये वन लाइन का मतलब है कि जो एक एक स्क्वायर किया गया कि हमें इसको कितनी देर में देखना होता है, तो हर आधे घंटे में इसको हमको देखना रहता है। अब आप इसको हम मार्क कैसे करते हैं, तो हम इसको मार्क जो करते हैं वो हमेशा डॉट से करते हैं। हम हमेशा इसके जैसे कि अगर हम कोई क्लाइंट आई है और हमने 25 देखा है, अगर उसका 130 है तो हम यहाँ पे हम लिखेंगे 130, और इसी तरह अब देखते हैं कि 140 है तो यहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर इसके बीच में भी आता है तो हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 136 है, तो हम यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। और इसको मिलाना कैसे होता है, एक स्ट्रेट लाइन से इधर, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इधर, ऐसे ही हर आधे घंटे पे आपको एफएचएस लेना होता है,
ठीक ऐसे ही करना है। इसमें कोई जहाँ भी आए इसके और इसके बीच में, हम अगर करेक्ट आता है 130 120 तो हम आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। और इस यहाँ पे जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन मिली हुई है, लेकिन अगर बीच में भी आया तो इसके बीच में भी मार्क कर सकते हैं और एक स्ट्रेट लाइन खींच करके सबको मिलाते इसी तरह हमको जाना है जब तक कि बेबी डिलीवर्ड नहीं हो जाता है। इसके नीचे बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, यानी यहाँ पे मेम्ब्रेन की बात हो रही है। अगर मरीज जब हमारे क्लाइंट आई है उस वक्त उसकी मेम्ब्रेन रैप्चर नहीं थी, पूरी तरह मेम्ब्रेन अभी थी, तो हमको आई लिखना होता। आई का मतलब होता है इंटैक्ट, मतलब कि संपूर्ण अभी पड़ी हुई है, तो इसलिए हम आई लिखेंगे। लेकिन जैसे ही ये मेम्ब्रेन रैप्चर हो जाती है फिर हम क्या लिखते हैं कि क्लियर, अगर उसमें कोई भी हमको क्लियर दिख रहा है, कोई भी उसमें और भी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। अगर आप देखिए मेम्ब्रेन बिल्कुल है, अभी मेम्ब्रेन रैप्चर नहीं हुई, इंटैक्ट लिखे, इसके बाद हमने क्लियर लिखा क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, अच्छा है, उसमें कोई तरीके की मिक्सअप किसी चीज़ का नहीं है, तो हमने क्लियर लिखा। अब अगर हरा हरा आ रहा है तो हम क्या लिखते हैं एम से करते हैं, मतलब कि म्यूकोनियम है उसमें, तो हम एम से तुरंत लिख देंगे। उसके बाद क्या हो सकता है कि वो ब्लड फार्म में भी होता है, जैसे कि आप जानते हैं ना प्लेसेंटा प्रीविया की जो मरीज रहेगी उसके जो मेम्ब्रेन रैप्चर होती है तो कभी कभी ब्लड फार्म में भी ये आपने हम लोगों ने एमनियोटिक फ्लूइड को देखा है। तो इस तरह से अगर किसी तरीके का उसमें ब्लड आ रहा है, कोई स्टेन मिला हुआ है, तो हम यहाँ पर बी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है इससे भी हम बच्चे के क्या जान सकते हैं, इससे भी हम बच्चे के कंडीशन को जानते हैं कि अगर आई से जाना इंटैक्ट है, सी से जाना कि क्लियर क्लियर है, तो मतलब कि बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब भी म्यूकोनियम हो जाता है उसमें तो हमें इस वक्त क्या करना होगा, जैसे म्यूकोनियम अगर एमनियोटिक फ्लूइड हमने देखा कि है आ रहा पानी आ रहा है, तो हमको अगर आप CSC पे PSC पे हैं तुरंत आपको आपके आसपास के प्यारियों या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे तुरंत बच्चे को रेफर कर देना है, फिर रखना नहीं है आपको, क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस में होगा उसका है मतलब ही है कि फीटल डिस्ट्रेस में है और उसको और भी हेल्प की ज़रूरत होगी, तो आप तुरंत उस पहले भेज दीजिए। और बी से भी है कि अगर उसमें कोई ब्लड का स्टेन दिखता है, कोई भी इस तरीके की चीज़ दिखती है कि थोड़ी रेडनेस है, तो आप तब भी कर दीजिए, वो प्लेसेंटा प्रीविया का आपका केस हो सकता है या कोई और भी दिक्कत हो सकती है, तो आप भेज दीजिए, उसको रखना नहीं है। देखिए यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जो हमारे पेशेंट होते हैं, जो डिलीवरी के पेशेंट होते हैं, उसमें माँ और बच्चे दो होते हैं, तो इसमें हमें किसी प्रकार की कोई रिस्क लेने की आजकल ज़रूरत नहीं है। सभी हायर सेंटर एक से बढ़ के एक बने हुए हैं, बस एक चेन बनी हुई, लेकिन आपको सही टाइम पे मरीज को उस तक पहुंचाना भी बहुत वैल्यूएबल टाइम होती है, ये रखना होता है कि उस तरह से उसकी कंडीशन बहुत बिगड़ सकती है या हम उसको बचा सकते हैं सही टाइम पर भेज के। तो ये बात हमेशा याद रखें कि हमें कोई भी चीज़ ऐसी दिखती है, कोई कंडीशन ऐसा लगता है कि हमें मरीज़ को रेफर करना है, तो उसमें हमें बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हमको सही टाइम पे उसे हायर सेंटर पे पहुंचा देना है और ज़्यादा देर तक हमें रख करके मरीज को ना बेबी को दिक्कत हो ना मरीज को दिक्कत होने पर हमें तुरंत निर्णय कर लेना है। और इसी सब चीज़ के लिए पार्टोग्राफ वगैरह बनाए जाते हैं ताकि आप तुरंत निर्णय कर सकें प्रोग्रेस ऑफ लेबर को देख करके कि अब आपको क्या अगला कदम क्या उठाना है। ठीक, तो अभी भी होता है कि अगर सही जो भी मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर को हम कम कर सकते हैं, बस अपने जगह से हमें सही टाइम पे बस मरीज को हमको बस हायर सेंटर पे रिफर करना है। तो सभी लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें जो भी इससे जुड़े लोग हैं। अब हम जानते हैं कि इसके बाद दिया है सर्विक्स चिन्ह, ये दिया है यहाँ पे चिन्ह, मतलब इसको एक्स नहीं कहते बल्कि क्रॉस का चिन्ह कहते हैं, ये क्रॉस का चिन्ह है और यहाँ खुद ही लिख दिया है सेंटीमीटर में। जब भी हम सर्विक्स की डायलेशन देखते हैं तो क्या होती है उस सेंटीमीटर में देखते हैं, यहाँ से इसीलिए 4 से लेकर के और 10 तक का यहाँ पे अंक लिख दिया गया है ताकि हमें कब करनी है, जब 4 सेंटीमीटर डायलेशन होती है सर्विक्स की तभी से इसकी हमको प्लॉटिंग करनी होती है, तो यहाँ पे लिख दिया गया है। ये पूछता भी है, आप इस बात को नोट भी कर सकते हैं कि पार्टोग्राफ कब शुरू किया जाता है, तो आप जानिए कि जब भी सर्विक्स का डायलेशन 4 सेंटीमीटर होता है तभी हम
इसके प्लाटिंग करते हैं, और प्लाटिंग करते हैं हमेशा एक क्रॉस का चिन्ह बना करके करते हैं, और इसी से हम लेबर के प्रोग्रेस को जान सकते हैं। और इसके करने के लिए यहाँ पे अलर्ट और एक्शन, आप दो लाइन देख सकते हैं, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन। तो इस तरह से ये दो लाइन यहाँ पे दी गई है, और अब हम इसको प्लाटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके 4 सेंटीमीटर है, और जैसे ही मरीज आपके पास आई है तो यहाँ लिखा है घंटे समय, तो यहाँ पे आपको डालना। जैसे कोई भी मरीज आई है, अगर वो मान लीजिए कि 10 बजे सुबह आई है, तो हमने 10 AM लिख दिया। अब उस वक्त तो कितनी थी, तो उस वक्त तो हम मानते हैं कि वो 6 सेंटीमीटर डायलेट थी। तो अब हमें ये 4 वाले लाइन को छोड़ना होगा, 5 वाले लाइन को छोड़ना होगा, कितनी थी वो 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये 4 है, यहाँ पे 5 है, तो 6 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 6, ठीक। तो अब यहाँ पे उसको हम प्लाटिंग करेंगे यहाँ पे। खैर, हमको टाइम यहाँ पे डालना नहीं चाहिए था, यहीं पे हम डालेंगे उसको। तो वहाँ से 4 सेंटीमीटर के लिए यहाँ से टाइम था, यहाँ पे डाले 10 AM पे हमारे यहाँ मरीज आई है। और इसी जैसे ये लाइन चलेगी, उसी से यहाँ भी हम वो करेंगे FHS की प्लॉटिंग, और उसी से सब करते जाएंगे। आपको इतना छोड़ देना है। अब जैसे कोई फुली डायलेट मरीज आती है, 10 सेंटीमीटर पे आती है, तो आप ये सब लाइन का यूज नहीं करेंगे आगे की। अब 10 का मतलब यहाँ दे ही दिया गया, यहाँ पे जाएंगे तो 10 हो जाता है, फुली डायलेट हो गया हो जाता है। तो आप यहीं से प्लॉटिंग करेंगे, तो इसी से हर खाने में करेंगे पूरा, इधर सब छोड़ देना, क्योंकि वो तो उसने वो पूरी टाइम पास करके ही मरीज आई है, पूरा डायलेशन का टाइम अपना करके पास करके घर पे से आ रही है। तो इस सब से आपको कोई मतलब नहीं है। आप जहाँ से शुरू करते हैं वहीं से हर लाइन को देखेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड का हो, मेम्ब्रेन का हो, कॉन्ट्रेक्शन हो, जो भी BP वगैरह सब कुछ उसी टाइम से देखेंगे। तो हमने देखा 6 सेंटीमीटर है, तो हम इस लाइन पर भी कर सकते हैं, इस लाइन के थोड़ा आप ऊपर भी कर देंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अलर्ट लाइन के, ठीक। और तो यहाँ पे आपने कर दिया। अब 6 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, हमेशा हम जानते हैं PP हमको 4 घंटे के बात करनी होती है, 4 घंटे पर करनी होती है। लेकिन तो हम यहाँ देखते हैं हर एक जो एक कॉलम में बड़ा वाला यहाँ पे आप लाइन देख रहे हैं, 1 घंटे का, ये आधा घंटा, 1 घंटा। अब हम चलेंगे यहाँ 10 बजे देखा था, तो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। अब हम कब PP उसको कर रहे हैं, 4 PM पे हमने पहले टाइम डाल दिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे देखा तब वो फुली डायलेट थी, मतलब प्रोग्रेस आप लेबर बहुत सही जा रहा है। और इस तरह से क्या करेंगे, दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों लाइनों को हम मिला देते हैं। तो मतलब इसका मतलब है कि ये नॉर्मल पेशेंट है, और बहुत अच्छे से सब कुछ है, चाइल्ड, बेबी, सब अच्छा है। हम इसी वक्त इसका FHS भी यहाँ देख लेंगे, और इन सबको डॉट को यहाँ से लेकर के और यहाँ के डॉट को मिला देंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये नॉर्मल प्रोग्रेस का था, कि ऐसे थे और यहाँ से मिला दिए। अब अगर हमारे पास दूसरा ऐसा पार्टोग्राफ नहीं है, नहीं तो हम बता देते आपको कि अगर आप देखिए, अगर 10 बजे, ठीक है, चलिए इसी पर जानते हैं, मरीज आई है और आपने 4 बजे देखा, फिर वो कितनी डायलेट है। आप मानिए कि वो होती है यहाँ पे 7 8, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, 2 ही सेंटीमीटर, जबकि हमको वो जानकारी है कि पर आवर इसको कितना होना चाहिए था, 1 सेंटीमीटर रेशियो के हिसाब से डायलेशन होना चाहिए था, जो कि नॉर्मल कंडीशन में है। अब वो क्या है कि आप इसी को मान लीजिए, हमने देखा उसको तो वो 6 सेंटीमीटर ही डायलेट है। तो देखिए, अब 6 यहाँ पे थी मरीज, आपके 6 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर यहाँ पे 6 है। अब 8 का हम आएंगे यहाँ पे हमने 4 बजे देखा, वो 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे थी 6 7 8, अब देखिए
यहाँ पे हमने देखा वो 4 बजे, यहाँ पे हम डालेंगे इसको 4 बजे, यहाँ 8 PM डाल देते हैं कि हमने देखा कि हमने 10 बजे एक मरीज़ जो नॉर्मल कंडीशन में देखा कि 10 बजे थी, ठीक है, 4 घंटे बाद पीपी की और 10 सेंटीमीटर डायरेक्ट थी, तो यहाँ पे नॉर्मल का है। अब हमने देखा कि कैसे जाने कि अब नॉर्मल इस ग्राफिकल रिकॉर्ड को कैसे जान सकते हैं कि नहीं नहीं ये प्रोग्रेस ऑफ लेबर नहीं है, इसको हमको रिफर करने की ज़रूरत है कि हम देखते तो 4 PM पे है यहाँ, लेकिन उसके प्रोग्रेस जितनी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, कितनी हुई है अभी 8 सेंटीमीटर। जब हम यहाँ पे 8 पे लगाए इसका, यहाँ पे तो इसको ऐसे मिलाएंगे तो क्या हो रही है, अलर्ट लाइन को पार कर रही है, अलर्ट जो क्रॉस का चिन्ह है जब इसको यहाँ मिलाएंगे तो अलर्ट लाइन पे ये पार कर रही है। मतलब इसको पार करने का मतलब ये हो जाता है कि नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर है, आपको अपने हायर सेंटर पे जो भी जिस अगर CCPC ऐसे लेवल पे हैं तो आपको अपने FRU या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपने मरीज को रिफर कर देना है क्योंकि नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर है, और आपको और जाने का इंतज़ार यहाँ नहीं करना चाहिए। बस जैसे अलर्ट लाइन ही पार हो गई तो आप जैसे वो CID जो सीरियल चलता था वो कहता था कि दया कुछ तो गड़बड़ है, तो आप इसको भी जान करके यही वाले भाव ला सकते हैं कि मरीज आपके क्लाइंट में कुछ तो गड़बड़ है, आप कि उस नॉर्मल कंडीशन में ये प्रोग्रेस ऑफ लेबर नहीं हुआ, तो आपको बस एक काम करना है सही टाइम पे उसको यहाँ से रिफर कर देना है और उसको उचित स्थान पे भेज देना है। अगर इसी तरह लाइन बढ़ती रहेगी और जो ये एक्शन लाइन लिखा है, मतलब इसको जब लाइन पार करती है तो इसका मतलब है कि उसको LCS वगैरह से जो भी डॉक्टर हैं वो निर्णय लेंगे और उस तरह से अपना पूरी तरह से एक्शन का मतलब ये है कि एक्शन मोड में आ जाना है सबको और उस चीज़ का निर्णय लेकर के और उसको तत्काल कर देना है ताकि मरीज और बच्चे को बचाया जा सके। लेकिन अभी आपको इतना भी इंतजार नहीं करना है कि ये सब लाइनें पार करे और मरीज की स्थिति और ख़राब हो, बच्चे की स्थिति ख़राब हो, तो आपको जैसे अलर्ट मोड ही केवल पार करता है, अलर्ट लाइन ही पार कर रहा है आपका, थोड़ा सा भी पार कर रहा है तो आप सीधे पहले तो सही टाइम पे रिफ़र कर दीजिए, ठीक है। इसको क्रॉस कराने के कोई ज़रूरत नहीं है कि यहाँ तक आप एक्शन लाइन तक पहुँचे, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह से अपने सेंटीमीटर में प्लॉटिंग करना जाना सर्विस को। अब यहाँ दिया है संकुचन प्रति 10 मिनट में, यहाँ हम क्या है आधे आधे घंटे में कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, मरीज का कॉन्ट्रैक्शन जैसे यहाँ पे आई है तब हमने देखा मरीज को कि मरीज तो आई थी, हम जो हमेशा जानते हैं कि 3 तरीके से दर्द आता है, एक आता है हमेशा इसकी गणना किस में होती है, 2 सेकेंड में होती है, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन की गणना हर 10 मिनट में देखते हैं, केवल 10 मिनट में देखते हैं, और गणना किस में होती है सेकेंड में, कितने सेकेंड का दर्द था। तो जब वो मरीज आई है मान लीजिए कि उसको 10 मिनट में कितने बार आए, हम ऐसे आराम से उसके एब्डोमेन के ऊपर ऐसे हाथ अपना रख करके और सेकेंड की घड़ी को देखते हैं और जितनी देर तक आता है उसके दर्द आते हैं उतना फील करके और उसे सेकेंड में देखते रहते हैं और जैसे वो चला जाता है तो उस टाइम को हम नोट कर लेते हैं। हमने देखा कि उसको 3 बार आई, अरे 3 खाने का मतलब है कि 1-5 लिखा ना कि 1 बार आई, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार दर्द आई थी। तो हमने देखा कि 3 बार दर्द आई और यहाँ पे और तीनों बहुत स्ट्रांग पेन था। इसी तरह हम जान सकते हैं कि अब फिर देखेंगे उसको आधे घंटे के अंतराल से, तो हमने देखा एक दर्द बढ़ गई तो 4 बार हो गया है। तो इसी तरह हम जानते ही हैं कि जो दर्द का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो 20 सेकेंड का होता है, फिर थोड़ा और बढ़ता है तो 20 से 40 सेकेंड के बीच में, और एक होता है 40 से लेकर के 60 सेकेंड के बीच में, 3 तरीके के सेकेंड में उसकी गणना की जाती है और इस तरीके से दर्द आता है, जो इसको कि प्रति हर आधे घंटे में 10 मिनट में जानते हैं कि कितनी बार आया और किस तरीके का आया और उसकी ड्यूरेशन कितनी थी। तो और इसके प्लाटिंग करने का जो तरीका होता है, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे अलग जान लीजिए कि अगर 20 सेकेंड या उससे कम का है तो हम उसको ऐसे डॉट डॉट से करते हैं, अगर 20 से 40 के बीच वाला है तो उसको हमको ऐसे करना चाहिए,
और कितनी बार आया ये भी देखते हैं, और जो सबसे स्ट्रांग पेन आता है उसको पूरी तरीके से ऐसे ऐसे फिलअप कर देते हैं, चाहे कई बार आए, 5 बार आए, 4 बार आए, 3 बार आए, तो एकदम से उसको हम फिलअप कर देते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे पार्टोग्राफ के बारे में जाना। अब यहाँ पे और एक चीज़ दी गई है, दी गई दवाई या आईवी दवा, आपने जो भी उसको कोई आईवी फ्लूइड वगैरह चलाया है या आपने जो भी आरएलएनएस जो भी दिया है वो आप यहाँ पे पूरी दवा का अपने लिख सकते हैं कि क्या क्या उसको दिया गया, यहाँ तक कि आपने अगर फीवर रहा हो, पैरासीटामॉल भी दिया हो तो वहाँ टैबलेट भी सबको आपको यहाँ पर लिख देना है। अब सबसे लास्ट में है माँ की, यहाँ पर क्या है, माँ की स्थिति जानने के लिए, वाइटल साइन को जानने के लिए बीपी दिया है और पल्स दिया है, ठीक है। अगर जानिए कि यहाँ पे आई थी मरीज तो हमको बीपी हमेशा लेने, जैसे मान लीजिए कि 120 है, 120 है, यहाँ पे मरीज आई है तो हम एक तीर यहाँ पे बना लेते हैं, और मान लीजिए कि वही नॉर्मल 80 है तो हम एक तीर को यहाँ बना लेते हैं। इसको कैसे मिलाते हैं, ऐसे डॉट डॉट से ऐसे मिला देते हैं, है। और इसी तरह आप कुछ भी इसमें हो सकता है तो आप सबको इसी तरह से डट डट से आप मिला सकते हैं। और इसी तरह आप इसको कितने बीपी को कब कब लेना होता था, हमेशा 4 घंटे पे बीपी है, और ये आपकी पीपी करके सर्विस का डायलेशन पता करना है, तो ये सब ये 4-4 घंटे पे होता है। और FHS ये जो कॉन्ट्रेक्शन है और पल्स ए हमेशा आधे आधे घंटे पे होता है, यहाँ तक कि यह टेम्परेचर लिखा है तो ये भी आप हमेशा 4 घंटे पे ही लेते हैं। तो इस तरह से इसमें 4-4 घंटे और आधे 4 घंटे और आधे घंटे की चीज़ें एक वन सीट पे बनी हुई है। और एक चीज़ें इससे हम क्या जान सकते हैं, माँ के वाइटल साइन, अब इसी बीच हम जानते हैं कि इस माँ का जो पल्स था वो यहाँ पे 80 था, तो हम यहाँ पे दर्शाते हैं ऐसे 80 था, फिर मान लीजिए 1900 के बीच में हो, जैसे भी हो, बीच में भी होगा तो भी, मतलब 94 भी होगा तो भी, फिर 80 है यहाँ पे, 84 हो, ऐसे सबको, फिर इसको भी एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे ऐसे मिलाते हम चलते हैं, ऐसे डॉट डॉट से इसको करते हैं। तो इस तरह से हम क्या पार्टोग्राफ को फिलअप करते हैं। तो ऐसे थे ना, तो यहाँ पे भी ऐसे क्रॉस कर देंगे, अगर बीच में बीपी की लाइन है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इधर इधर है तो ऐसे क्रॉस करके हम बना सकते हैं। तो बीच में क्या हमेशा है ये हम बीपी का 2 एरो से और इससे डाट करके बीपी को दर्शाते हैं, और इसके लाइन पे हमेशा हम जो होता है ये पल्स को इस तरह से डॉट से दर्शाते हैं। सबसे नीचे टेम्परेचर दिया गया है तो जो भी है 37 है, तो इसको हमेशा सेल्सियस में लेते हैं, यहाँ पर सेल्सियस में ही लिया जाता है। इस तरह से यहाँ पे नीचे सबसे देखिए सही तरीके से रिफर करने के लिए यहाँ पे खुद ही लिखा हो गया, अलर्ट लाइन पर आलेखन आरंभ करें, अलर्ट लाइन पे मतलब इस पर आप आलेखन अपना जो भी आप क्रॉस बना रहे हैं वो आरंभ करें। और क्या लिखा है, अलर्ट लाइन पार होने पर FRU भेजो, जैसे ही आप ऐसे क्रॉस किया आपको भेज देना है, यहाँ पे आपको अब इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिए, एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को, ये दोनों लाइन भी जो बनाई गई है ये इमैनुअल फ्रीडमैन के द्वारा नहीं दी गई थी, बल्कि ये बाद में उन लोगों का नाम था, एक RS पिलपॉट और कैस्टर, आरएच पिलपॉट और कैस्टल के द्वारा एक्शन और अलर्ट लाइन को बनाया गया है, इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो इस तरह से आपने इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली। और एक चीज़ और जो भूल गए थे अभी कि पार्टोग्राफ को और क्या कहते हैं, तो इस पार्टोग्राफ को आप सर्वाइकोग्राफ के नाम से भी जानते हैं। इसको अगर कोई पूछता सर्वाइकोग्राफ किसे कहते हैं, तो आप इसी पार्टोग्राफ का दूसरा नाम सर्वाइकोग्राफ है। और इससे क्या आप जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ये ग्राफिकल रिकॉर्ड है किसका, तो सर्विक्स डायलेशन का, और बच्चे की वेलबींग का पता कर सकते हैं, और जिससे ताकि हम निर्णय ले सकें ताकि हमको कब उसको रिफ़र करना है और कब हम नॉर्मल स्थिति है और उसको रख सकते हैं। और हमेशा जो भी कुछ है एक ग्राफ में, मतलब ग्राफिकल इसको किया जाता है। और एक चीज़ है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है,
ये जो रिकॉर्ड है बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे आप अगर जब भी चार्ज में देते हैं तो आपको बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि हम चार्ज में देखेंगे तो सीट को जान करके, एक सीट को ही जान करके अगला स्टाफ भी जान लेता है कि अच्छा ये 4 बजे ये 4 सेंटीमीटर थी और यहाँ से इसकी वो की गई प्लॉटिंग की गई है, मतलब कि इतने बजे इतना प्रोग्रेस हुआ था, इतने बजे इतना प्रोग्रेस हुआ था। तो पूरी तरह से चार्ज देने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है कि आप दे सकते हैं। इस तरह से आज हमने पाठोग्राफ के बारे में जाना और इसकी विशेषताओं के बारे में जाना। तो इस तरह से, और आप सभी लोग बिल्कुल अगर कोई चीज़ छूट गई है, कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।